राजनीति से खुद को दूर रखने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता के बयान से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है, जिन्होंने इशारों ही इशारों में बिना कुछ कहे सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत टीकरी बॉर्डर पर लंगर चलाने वाले किसान नेता के नजीबाबाद में ताहरपुर गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक गुरुद्वारे में बताया कि सरकार किसानों की जमीन को हड़पना चाहती है, जिसके लिए संगठित होना बेहद जरूरी है। राकेश टिकैत ने किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने से साफ तौर पर इनकार किया है, लेकिन सीएम योगी को विपक्ष के लिए एक मजबूत नेता बताया है। तो दूर है, लेकिन आधे रेट में फसल बेच के किसी को आउट देनी होती लगा। ठीक है साहब, एक चीज बताइए, आप जो लोकतंत्र को मजबूत चाहते हो, आप कैसा लोकतंत्र यूपी में देख रहे हो फिलहाल? लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, सबको अपनी बात कहने की आजादी हो, इलेक्शन हो तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो, जिसको वोट जा देनी हो। कैसा नेता चाहते हो आप विपक्ष में? विपक्ष में तो मजबूत चाहिए नेता। तो कौन चेहरा आपको मजबूत लग रहा है यूपी में? भाई योगी जी से बढ़िया विपक्ष के लिए मजबूत चेहरा तो कोई है। पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो लंगर चलाने की जो व्यवस्था गुरु परंपरा में है, गुरुद्वारों में है, और जो गुरु घर से है, जो बाबे जिस हिसाब से हमने लंगरों की व्यवस्था करी, हो सके कि अगर लंगर की व्यवस्था ना होती तो हम इतने दिन तक वहां बैठ पाते, क्योंकि राकेश टिकैत के इस बयान से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। टाइम 24 न्यूज के लिए बिजनौर से हाशिम अहमद की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले।